विपक्षी दलों की बैठक में नीतीश कुमार की क्या भूमिका है, इस पर सवाल उठ रहा है। कहा यह भी गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से वहां से बिहार के जो सीनियर नेता थे निकलकर पटना आ गए, उसको लेकर तमाम बातें अभी हम जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं धीरेंद्र जी। धीरेंद्र जी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर यह कहा जा रहा है कि पहले वह पूरी विपक्षियों को अलग अलग राज्यों में जाकर एक कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को किनारा किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो सवाल खड़ा करता हूं कि नीतीश कुमार कौन किन राज्य में जाके किसको किसको एक कर पाए जी, आप नाम बताइए किसको एक किए। यहीं जा रहे थे, साउथ में गए, इधर गए, लखनऊ गए, दिल्ली गए, बंगाल गए, जिनका जनाधार नवीन पटनायक के यहाँ गए, उड़ीसा गए थे, नवीन पटनायक इनको भाव नहीं था, आए नहीं, जिनका जनाधार पिछले 10 साल से सिमट चुका है या सिमटता जा रहा है, और जो लगातार चुनाव में हाशिए पर धकेले जा चुके हैं जनता के द्वारा जी, उन लोगों को जोड़ने का ये प्रयास कर रहे थे। इन न करते तो भी वो लोग जुड़ जाता। कमजोर व्यक्ति हमेशा संगठित होने की कोशिश करता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। नीतीश कुमार यद्यपि NDA से निकलने के बाद जब RJD से दोस्ती किए तो संख्या बल के आधार पर ये कमजोर नहीं हुए, ये मजबूत ही हुए, चूँकि RJD की अपनी ताकत बड़ी ताकत थी संख्या बल के आधार पर भी सदन के अंदर, और RJD के साथ कांग्रेस और माले का साथ इनको बोनस में प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कमजोर की तरह है। नहीं तो थोड़ा सा तो क्रेडिट दीजिएगा ना कि पहल सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया, सबसे पहला पहल इसके लिए KCR ने किया था, वो सबसे पहले सीन से आउट हो गए। दूसरा पहल नीतीश कुमार की है तो नीतीश दूसरे व्यक्ति हैं जो सीन से आउट हो गए। अब कोई पहल नहीं कर रहा है, अब सब अपने से पहुंच जा रहा है, पहुंचो नहीं तो अब कोई सीन से आउट नहीं होगा। देखिए है क्या कि दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, ताकत से ताकत जुड़ता है, ये सामाजिक सिद्धांत है। तो नीतीश कुमार की इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि इनके साथ दूसरे लोग जुड़े, लोग उन्हीं के साथ आएंगे, जो मजबूत पिलर होगा उसकी तरफ कमजोर पिलर भागेगा जी। नीतीश कुमार मजबूत पिलर नहीं है, पहली चीज। नीतीश कुमार की पर्सनल पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भी संदिग्ध है, ये इधर 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 2 दिन रूम में बंद हो जाते हैं तो लोग कहता है पलटी मार देंगे, राजगीर चल गए तो लोग कहा कि पलटी मार देंगे, ये क्या कहते हैं कि हरिवंश से मिल लिए तो लोगों ने कहा कि पलटी मार लेंगे। अगर लोग ऐसा कहता है आपके बारे में तो वो ऐसा सोचता है, आपका आचरण ऐसा हो चुका है, इसलिए ना। तो इनका जो आपका जो प्रश्न है कि नेशनल कन्वेनर के लिए जो भी बेंगलुरु में हुआ उसमें नीतीश कुमार के हाथ कुछ नहीं आया और बड़े बेगाने होके लौटे ये वहाँ से, उसके पीछे की वजह यह है कि जिसको जितना चाहिए जितना जिसकी हैसियत है उसको उतना ही मिलेगा, जिसके जिसका जितना बड़ा आंचल है उतना ही प्राप्त होगा। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको कोई नेशनल कन्वेनर मान लेगा? पिछले 20 साल से कॉन्टिन्यूसली आप प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी धमक पिछले 20 साल से नहीं है। आपके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर 2 हुए थे, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव, ये दोनों NDA के कन्वेनर होते थे, लेकिन आप तो बिहार में सिमटे हुए थे। अब अचानक आप बिहार से उठ के दिल्ली चले जाइएगा तो ट्रेन का टिकट कटा के आप जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप ये सोच लें कि हम दिल्ली चले जाएं और हम ही सेंटर में हों, तो कांग्रेस क्या मूर्ख है जो 400 सीट पर चुनाव लड़ती है और 50 साल तक शासन की है, वो आपको कन्वेनर एक्सेप्ट कर लेगी? ऐसी कौन सी मेरिट आपके अंदर है? आप 20 साल कमोबेश आप बिहार की राजनीति पे काबिज हैं और आज तक आपने 243 सीट पर लड़ने का साहस नहीं जुटाया, और यकीन मानिए इस बात का, आपके पास 243 सीट पर काबिल उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि आपने संगठन का फैलाव उतना नहीं किया है। आप हमेशा गठबंधन की राजनीति करते रहे, गठबंधन की राजनीति हर कोई कर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, लेकिन चले जाइए RJD के पास, उसके पास 243 पर अपना संगठन है, उम्मीदवार है, चले जाइए बीजेपी के पास। नीतीश कुमार से कुछ और चीजों से नाराज हैं? आप नाराज क्या हम मेरा उनसे लेना देना क्या है? नाराज मेरा सीधा सा कहना ये है, नहीं, जो आदमी मेरा सीधी सी बात ये है कि
आप अपनी क्षमता से, हालांकि इसमें नीतीश जी का कोई दोष नहीं, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कन्वेनर पोस्ट मांग रहा हूं। नीतीश जी कहेंगे थोड़ी कहलवाएंगे ना, आरजेडी वाले ने बोले कि प्रधानमंत्री भाई ये जवाब तो आरजेडी को देना चाहिए कि आप गए थे यहां से उठ के बेंगलुरु, जो शिमला जाना था फिर बेंगलुरु चले गए, तो वहां पर दो महत्वपूर्ण बातों पर फैसला हो जाना चाहिए था कि इस ग्रुप का कन्वेनर कौन होगा। आपके तरफ से उम्मीदवार थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 23 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगली मीटिंग में सीट वाइज डिसीजन हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा जी। ये दोनों बातें नहीं हुई। नीतीश कुमार कह रहे थे, इसका मतलब कि लालू यादव कह रहे थे, बिहार में ये बातें की जा रही थी। अब जहां तक कन्वेनर का प्रश्न है तो कहा गया कि फिर हम लोग बैठेंगे एक बार भाई महाराष्ट्र में। तो कुल मिला के देखिए ये पॉलिटिकल पिकनिक मनाया जा रहा है, और इस पिकनिक में, पहला पिकनिक में थोड़ा मजा आया तो और लोग आ गए, कह गए इस पिकनिक में मजा आ रहा है चलो इसमें चलते हैं। तो भाई कुछ लोगों के भीड़ होगी, अगली बार मुंबई में कुछ और लोग आएंगे, और पैरेलली एक पिकनिक और मजबूरन मनाया जा रहा है। हो क्या रहा है, आप मेरी बात को समझिए, अगर मेरे पड़ोस में लगातार जश्न का माहौल चलता रहे और मेरे यहाँ दुख का कोई कारण नहीं हो, तो हमको भी अपने घर के बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत तो जश्न का माहौल बनाना पड़ेगा कुछ ना, तो यही कहेंगे कि चलो भाई सिनेमा देखने चलते हैं। है क्या कि ये थके हारे लोगों का एक गठजोड़ है जी। चुनाव में सक्रिय दिखना है भाई, 2024 आ रहा है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमको सब नेग्लेक्ट ना कर दे, देश में विपक्ष ना हो, आपका क्या हमको समझ, देश में विपक्ष ना हो, नहीं देश में विपक्ष है ही नहीं, ये लोग असंतुष्ट हैं जी। ये लोग विपक्ष नहीं है, असंतुष्ट है। विपक्ष होते तो किसी मुद्दा पर पक्ष और किसी मुद्दा पर विपक्ष की बात करते, ये टोटली विपक्ष की बात करते हैं। ये लोग थके हारे फ्रस्ट्रेट असंतुष्ट लोग हैं, असंतुष्ट लोगों का एक जमावड़ा चला। इसके एक और बड़े धुरंधर थे शरद पवार जी, उनको घरे में भतीजे पटक दिया भतीजे कह रहा है कि चचा अब आप उम्र दराज हो गए हैं, छोड़िए ये सब, हरि भजन कीजिए, ये सब हमारे जिम्मे दे दीजिए। तो एक भतीजा जब बोल रहा है अपने चाचा को, तो राजनीति में जितने चाचा हैं, राजनीति में जितने चाचा हैं उनको सतर्क और सचेत हो जाना चाहिए कि भतीजाओं का मिजाज क्या है ये समझ लीजिए। अब देखिए बिहार में एक और चचा भतीजा है, पैर पड़ा पड़ी हो गया ना, गला मिला मिली भी हो गया। अब कहा जा रहा है कि भाई गए थे आप, अब आप समझ लीजिए आना है नहीं आना है, मतलब उनका वानप्रस्थ की तैयारी उनकी भी हो रही है। इनके लिए शिवानंद तिवारी जी कहिए कहे थे कि चलिए जंगल में को कुटिया बनाते हैं, हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे। नहीं नहीं, अगर समय रहते बागडोर नहीं, कोई गार्जियन घर का बागडोर अगर समय रहते नहीं छोड़ता है तो बच्चे सत्ता पलट देते हैं, इतिहास गवाह। मतलब बुढ़ा हो गए, बुजुर्ग हो गए, पूरा ये सब छोड़ छाड़ देना चाहिए, कब बोलते हैं नीतीश जी को? हम कह रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार के धीरेंद्र जी, अच्छा आप छोड़िए नहीं, आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप बोले कह रहे हैं नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं रह गया, मतलब कोई मेरिट नहीं है 25 साल से, आप ऐसे ही मतलब मेरिट नहीं है 98 से अभी तक नीतीश कुमार 98-4 तक मंत्री रहे, मतलब एक भाई मेरिट है। नीतीश कुमार अच्छे नेता हो या नहीं हो, एक अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हैं, ये बात साबित होता है। ये इसलिए साबित होता है कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में है नहीं, लेकिन पूरे बिहार पर अपने मैनेजरियल गुण से ये शासन कर रहे हैं। तो ये लालू यादव जैसी ताकत को ये नियंत्रित किए हुए हैं, ये मैनेजरियल स्किल इनके अंदर है। बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लीडरशिप होता है, तो लीडरशिप नहीं, मुख्यमंत्री बने रहना, मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं है, मैनेजमेंट का भी लीडरशिप कर रहे हैं। सारा सब हार गया नीतीश जी से, भाजपा हार जाती है, आरजेडी हार जाती है, दुनू को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि खुद नहीं दल बदलते हैं, सामने अपने तरफ अगर सब इनसे हारिए जाए, तो यही कह रहे हैं ना कि इनके लिए जो सोच के गए थे वो हुआ नहीं, ले जाए लेका ढूंढी टोवे, ई गए कहे कि हमरा राजगीर आवे के उकबी के लगा था, हम इसलिए चले आए। भाई आप 1 घंटा लेट आते तो क्या राजगीर नहीं आ सकते थे? नेक्स्ट डे अगर मॉर्निंग में आप यहाँ आते तो राजगीर नहीं आ सकते थे? आप उनसे, पत्रकारों ने पूछा कि आपको संयोजक बनाने का जो मामला था उस पर क्या हुआ, जवाब में हंसने लगे, मुस्कुराने की कोशिश किए, एक खुशी दिखाने की कोशिश किए, क्योंकि ये सवाल खुशी दिखाने वाला नहीं था, ये इनका स्पष्ट जवाब होना चाहिए था कि वहां पर इस बार इस सवाल पर अभी एक फैसला होना बाकी है, 11 लोगों की टीम तय करेगी कौन संयोजक होगा, लेकिन ये हंसने लगे। देहात में कहावत है, लजा लेकर ढूंढे टोबे,
हैं, अब इनसे बात कीजिए, तब एन ए नोचते हैं, एन ए नोचते हैं, एन ए इसे करते हैं। आप अगर जो जुबान से जवाब न देकर शरीर से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कह रहे हैं। नीतीश जी कन्फ्यूज हैं। कन्फ्यूज नहीं है, नीतीश जी को पता चल गया है कि हम ट्रैप हो चुके हैं। नीतीश जी वास्तव में अपने मैनेजरियल गुण के कारण, उस मेरिट के कारण जी जी। बिहार की सत्ता में 18 साल से या 20 साल से कम हो गई, इसके 2005 उसके पहले राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो हनक से ये शासन चला रहे थे। लेकिन इधर के दिनों में पहले कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, ये शासन चला नहीं रहे, शासन बचा रहे हैं और उसमें ये सिद्धस्थ हो चुके हैं, उसमें इनको कोई चुनौती नहीं है। अगर जो लालू यादव सोचते होंगे या भतीजा सोचता होगा कि चचा ऐसे कर रहे हैं तो हम इधर से ही चाल चल देंगे, उधर से चाल चल देंगे, आप गलतफहमी में हैं। आप जब तक चाल चलने की कोशिश कीजिएगा, नीतीश कुमार वो नेता है जो जिस घर से निकलता है वहाँ पर एक कुर्सी अपने लिए छोड़ के आता है। मतलब अभी भी संभावना है कि एक पलटी और लेंगे। पलटना जिसका आचरण बन चुका वो कै पलटी लेगा, सीखे जाता है। मतलब 24 के पहले संभावना नहीं, अब मुझे 24 के पहले की संभावना नहीं लगती है, 25 के पहले की संभावना लगती है। हाँ, 25 के पहले, 24 के पहले की संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन 25 के पहले ऐसा हो सकता है, क्योंकि भतीजों कितना दिन तक इंतजार करेगा। है ना, सब जगह देखो, सब जगह भतीजा है जो पलट दे रहा है, महाराष्ट्र से शुरू हो गया खेला, यहाँ भी भतीजा पावर में आ गया, यहाँ पलट पाएगा नीतीश जी को? भाई संगत से गुनावत है, संगत से गुंजा, जब पूरे तरफ माहौल ही हो गया पलटने का, तो आप पलट जाइए ना, तो पलट देंगे। कितना दिन तक बर्दाश्त हो, 2024 तक बर्दाश्त होगा, उसके बाद चाहे तो भतीजा इनको पलट दे, अन्यथा तो ही पलटी मार के चले जाए, लेकिन पलटी होना तय है। चलिए, ये बातें हैं चाचा भतीजा और ऐसे नीतीश कुमार के नेशनल कन्वेनर बनने की बातों पर। अभी हम वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र जी से तमाम बातें पूरे देसी अंदाज में समझ रहे थे। उन्होंने कह सकते हैं नीतीश कुमार के कुंडली खोल के एकदम रख दिया। कुंडली खोलने का मसला नहीं है, देखिए है क्या ना कि नो डाउट नीतीश कुमार एक राजनेता नहीं, एक परसेप्शन है। अगर राजनेता होते तो ये बड़े लीडर होते, ऐसा नहीं है, छोटी पार्टी भी बड़ी पार्टी में, आप जैसी छोटी पार्टी दिल्ली से चलकर पंजाब पहुंच गई, पंजाब से गुजरात में आपकी अच्छी धमक महसूस की जा रही है, गोवा में है और यो नेशनल पार्टी का उनको दर्जा मिल गया, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़के वो नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं लिया है, मुख्य राज्यों में चुनाव लड़के ने दर्जा लिया है। तो छोटी पार्टी भी बड़ी पार्टी होती है, वहां पर लीडरशिप का गुण होता है, लीडरशिप के साथ मैनेजेरियल गुण होता है, प्रबंधन का गुण होता है। लेकिन नीतीश कुमार में लीडरशिप का गुण धीरे धीरे डाउन होता चला गया और प्रबंधन का गुण है जो धीरे धीरे मजबूत होता है। तो नीतीश कुमार की कहानी दंड क्या माना जाए? दंड नहीं, जब तक प्रबंधन की कला, प्रबंधन तो एक कला है, ये कला जब तक बची रहेगी तब तक कोई दंड नहीं कह सकता है। चलिए, प्रबंधन एक कला है और प्रबंधन की कला में नीतीश जी माहिर है। बाकी आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।